बॉम्बे टॉक ओल्डेस्ट फिल्म कंपनी ऑफ इंडिया बॉम्बे टॉकीज है, जिसने सैकड़ों फिल्में बनाई, सैकड़ों लोग इंट्रोड्यूस किया, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, देवका रानी, कमाल, मतलब इतने लोगों ने डेवलप किया, कंपनी ने वापसी की है, राजपुत्रा बनाई है। धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स देता हूँ दबाड़ा स्टूडियोज़ को और हमारे प्रोड्यूसर कामिनी दुबे को, जिनकी वजह से फिल्म का निर्माण हुआ, जिन्होंने महान मगा नायकन जैसा एक तमिल फिल्म के भी हमारा योगदान, हमको योगदान दिया, थैंक्स उनको। और फिल्म ने वापसी की है, शानदार वापसी की है। मैं बोला कुछ बातें सीख रहा हूँ, मैं बोला है, मैंने अभी तुम्हारा ट्रांसलेट करके मैंने बोला, ये पूरी फिल्म जोरदार बनाई है, आने वाले कल के अंदर यही खड़े पूरा 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 भाषा बोलूँगा आपसे, अपने मेरे को नहीं आती थी मैं बोला, और आके पूरा जोड़ने का काम कर रहा हूँ, आने वाले कल कई भाषाओं में काम करूँगा, इसलिए तमिल के लिए सर्वोपरि है, संस्कृत की बात ही सब इम्पोर्टेंट मेरे लिए। हाँ, तमिल का आइडिया यही था कि पूरा भारत को जोड़ने की प्रक्रिया थी, तमिल हर जगह जाना चाहिए, इतनी अच्छी लैंग्वेज है, मैंने काम किया, पिक्चर बनाई, मैं कंप्लीट किया, आता नहीं था लैंग्वेज मैंने किया, इतना अच्छा लैंग्वेज है, हर जगह जाना चाहिए, जिस तरह हम हिंदी की बात करते हैं, जिस तरह हम संस्कृत की बात करते हैं, तमिल भी उससे कम नहीं है, उसको हर जगह जाना चाहिए, खाली साउथ की भाषा बन के बन गई है, तमिल मैं चाहता हूँ भारत के कोने कोने में जाए, बाकी लोग भी इसकी भाषा, ये भाषा बोलें, भाषा का इस्तेमाल करें, इसलिए मैंने नॉर्थ से यहाँ पे आके पिक्चर बनाई है। आज आप प्रेम मिला साथ में, धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू जो आप आए, आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो आने वाले कल के लिए हम लोग के लिए बुनियाद बनेगी, थैंक यू वेरी मच।